नवमः पाठः नौ पाठ। भव्या भागीरथी, भव्या माने सुंदर, भागीरथी गंगा नदी। हिमाद्रेः संभूता बिहरसि तदंके हिममये, ततो भूमिम याता विचरसि सुहासा समतले। पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा, अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदं नः तव जलम्। भागीरथी गंगा को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हिमाद्रे, हिम प्लस अद्रे, हिमालय से संभूता निकल करके बिहरसी बिहार करती हो। हे गंगा, आप हिमालय से निकलकर तद अंके, तद माने उसके, अंके माने गोद में, हिममये बर्फीली कि हिमालय से निकलकर उस हिमालय की बर्फीली गोद में बिहार करती हूँ। ततो इसके बाद भूमिम भूमि पर याता आती हो, विचरसी विचरण करती हो, सुहासा सुंदर मधुर हास के साथ, मुस्कुराहट के साथ, समतले समतल मैदान में। पुनासी पवित्र करती हो, त्वम तुम लोकान संसार को प्रवहसी बहती हो, समुद्रम समुद्र के तरफ, प्रति सदा, प्रति माने तरफ, समुद्र के तरफ, सदा माने हमेशा। अहो हे दिव्य गंगा, भवतु होबे सुखदम, सुखदम सुखदाई, सुख देने वाला, नह माने हमारे लिए, तब माने आपका, जलम माने जल कि हे दिव्य गंगा, आपका जल हमारे लिए सुखदाई होबे। ये प्रार्थना गंगा से की गई है कि हे भगवती गंगा, आप हिमालय से निकलकर उसकी हे बर्फीली गोद में पहले बिहार करती हो, इसके बाद भूमि पर सुंदर मधुर मुस्कुराहट के साथ समतल मैदान पर विचरण करती हुई आती हो, और तुम संसार को पवित्र करती हो, हमेशा समुद्र की तरफ बहती हो, हमेशा समुद्र के तरफ ही बहती हो। हे दिव्य गंगा, आपका जल, तब माने आपका जल हमारे लिए सुखदाई होबे। न जाने किं पुण्यं फलितं अधुना नो भगवती, प्रियो देशो जातः तव जलकणैः नष्ट कलुषः। हरिद्वारं काशी तव तटमहत्वं कथयतः, प्रयागः तीर्थानां पतिः अतुलनीयः तव तटे। कवि कहता है ना जाने, मैं नहीं जानता हूँ हे देवी गंगा, कि मैं नहीं जानता हूँ कि माने किस पुण्यमान पवित्र कार्य के बदले फलतम फल मिला है, जो फलित हुआ है, मेरा पता नहीं कौन सा पवित्र कार्य अधुना आज फलित हुआ है। भगवती, हे भगवती, नो माने हमारा, कि हमारा पता नहीं कौन से पवित्र कार्य का फल हमको मिला है। प्रियो देशो जाता, इस प्रिय भारत देश में जाता उत्पन्न हुए हैं, तब जल कणई, तब माने आपके जल कणई, जल कणों से, आपके जलों से नष्ट कलुषा, नष्ट माने खत्म हो गए, कलुषा माने पाप, कि गंगा में नहाकर आपके जल, गंगा के जल में नहाकर पाप नष्ट हो गए हैं। कहते हैं कि गंगा में नहाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। कवि ने वही कहा है कि इस प्रिय भारत देश में मेरा जन्म हुआ है और तुम्हारे
जल से नहा करके हम पाप मुक्त हो गए हैं। हरिद्वार काशी के तट तब माने आपके महत्व को कथ्यता बताते हैं। हरिद्वार और काशी के जो गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं उनके जो प्रसिद्ध तट हैं आपके महत्व को बताते हैं। प्रयाग तीर्था नाम पति, जो तीर्थों का स्वामी प्रयाग है, पति माने स्वामी, तीर्थों का स्वामी प्रयाग भी तब माने आपके अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके, तटे माने किनारे पर, कि तीर्थों का स्वामी प्रयाग भी आप ही के अतुलनीय किनारे पर स्थित है। जनानाम धात्री त्वम सुमधुर फल अन्नानी ददति, विशालाम सिंचंती मधुमय जलहि भारत भुवम, अये शुभ्रे गंगे बिलसति तरंगे त्रिपथगे तव उत्संगे धन्याः शिशवा इव खेलंती मनुजाः। जनानाम धात्री त्वम, त्वम जनानाम धात्री अस्ति, कि तुम हे गंगा माँ, तुम जनानाम लोगों की धात्री माने पालन करने वाली माँ हो। सुमधुर सुंदर मधुर, फल प्लस अन्नानी फल और अन्नों को ददती देती हो आप हमारे लिए, मधुर फल और अन्नों को देती हो जिससे हम सबका पोषण होता है, जिसको खाकर हम जीवित रहते हैं, बड़े होते हैं। विशालाम सिंचंती मधुमय जलई भारत भुवम, और विशालाम भारत भुवम मधुमय जलई सिंचंती, विशाल भारत की भूमि को अपने मधुमय जलई अमृत जैसे जल से सिंचंती सींचती हो। अये शुभ्रे गंगे हे पवित्र गंगा, बिलसति तरंगे हे उछलती हुई तरंगों वाली गंगा, त्रिपथगे हे तीन रास्तों से जाने वाली गंगा, तीन रास्ते आकाश धरती और पाताल, इसलिए गंगा को त्रिपथगा कहा गया है, पाताल गंगा आकाश गंगा और गंगा, कि हे पवित्र गंगा उछलती हुई तरंगों वाली गंगा, हे तीन रास्तों से जाने वाली गंगा, तब उत्संगे आपके उत्संगे गोद में धन्या धन्य है शिशुआ इव बच्चों की तरह, शिशुओं की तरह इव माने तरह, खेलंती खेलते हुए, मनुजा माने मनुष्य, कि ये मनुष्य शिशुओं की तरह आपकी गोद में खेलते हुए धन्य हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। पयहते कुल्याभि ब्रजति बहु दूरम सुमधुरम, ततः सिक्तम क्षेत्रम भवति हरितम चा अपि ललितम, गभीरे ते नीरे तरणिषु सुखम यान्ति पथिकाः, वयम् भूयो भूयो जगति तव कृत्यैहि उपकृता। पयहते ते पया, पया माने जल, पया माने दूध, पया माने जल भी, ते पया आपका जल कुल्याभि नहरों के द्वारा ब्रजति जाता है बहुदूरम बहुत दूर तक, सुमधुरम और कैसा है मीठा, आपका ये मधुर मीठा जल नहरों के द्वारा दूर दूर तक ले जाया जाता है। ततः सिक्तम इसके द्वारा, सिक्तम सींचा गया क्षेत्र खेत मैदान भवति होता है हरितम चा अपि ललितम, हरा भरा और भी सुंदर हो जाता है। ललितम माने सुंदर, हरितम माने हरा, चा माने और, अपि माने भी, कि इसके बाद उन नहरों से जो क्षेत्र सींचा जाता है वो और सुंदर हरा भरा हो जाता है। गभीरे ते नीरे और आपके गहरे जल में, नीरे माने जल में, गभीरे माने गहरे, तरणिषु नौकाएं सुखम तरणशु नौकाओं में सुखम सुख से यांति जाते हैं पथिका राही पथिक यात्री, कि तुम्हारे गहरे जल में नौकाएं चलाई जाती हैं उसमें यात्री सुखपूर्वक यात्रा करते हैं,
वयम हम सब भूयो भूयो बारंबार जगति संसार में ये सारा संसार तब आपके कृत्य ही कार्यों से उपकृता उपकृत है अनुग्रहित है कि हम सब इस संसार में आपके उपकारों से बारंबार अनुग्रहित हैं। आए पुण्य गंगे हे पुण्य गंगा पवित्र गंगा जगति संसार में जननम जन्म चेत मम पुनः चेत यदि मम माने मेरा पुनः माने दोबारा कभी यहाँ कामना करता है कि हे गंगा अगर संसार में दोबारा से मुझे जन्म लेना पड़े तो मेरी क्या इच्छा है यही बता रहा है कि हे पुण्य गंगा संसार जगति संसार में यदि मेरा पुनः जन्म होबे तो भवेत होबे क्रीड़ा भूमि खेलने का मैदान खेलने की भूमि पुनः अपि दोबारा भी शुभा पवित्र भारत धरा ये भारत धरा ही ये पवित्र भारत धरा ही मेरे खेलने की भूमि बने सदा हमेशा ही सेवे सेवन करूं नीरम जल का सुर नदी हे देव नदी हे सुर नदी हे गंगा हमेशा जिससे कि मैं आपके ही जल का सेवन करूं तब इदम सुख करम जो कि ये आपका ये जल सुखकारी है इसी सुखकारी जल का मैं हमेशा ही सेवन करूं हे गंगा ना मैं अन्या ना माने नहीं मैं मारे मेरी अन्या माने दूसरी स्यात होबे इहा माने इच्छा कि इसके अलावा मेरी कोई भी दूसरी इच्छा नहीं है कि तब तट बिहारे बिहरता कि तब आपके ही किनारे पर हमेशा विचरण करता रहूं इसके अलावा मेरी और दूसरी कोई भी इच्छा नहीं है हे पुण्य गंगा अगर संसार में मेरा दोबारा से जन्म हो तो यह पवित्र भारत की भूमि ही दोबारा भी मेरी क्रीड़ा भूमि बने हे देव नदी गंगा आपके इस सुकारी जल का मैं सदा ही सेवन करूं आपके ही किनारे पर खेलूं बिहार करूं इसके अलावा मेरी अन्य कोई भी इच्छा नहीं है।